माने रॉ मटेरियल किलो प्रति 50 टंका रेट रे किनिबे आ जते प्रिपेयर कर दोचोंती प्रोडक्ट किलो प्रति 75 टंका रे आपन कंपनी को सेल करिवे 25 रुपीस पर केजी रे आपन को प्रॉफिट आसुची जे यूनिट रे से 3 डेज रही की 3 डे ट्रेनिंग लेके सीख पा आपन ना नै गासले आमे 5% डिस्काउंट दे देबो तापरे कथा बा मैडम आपन तो प्रत्येक दिन जदी गुटे क्विंटल प्रोडक्शन भारुची ए प्रोडक्ट को आपन कोन जगह रे सेल करचोंती जो कंपनी मैंने मटेरियल दौर से कंपनी के सेल कर दूचु मैंने आप कंपनी मटेरियल विथ मेसीन देते से कंपनी आप कि वर्ष होगा नौ तो आपने प्रत्येक दिन प्रोडक्ट दियंती ना 15 दिन थरे ना मासर थरे 3-4 दिन रे थरे 3-4 दिन थरे दियंती बाकी आपन को चॉइस इंस्टॉलमेंट रे आनले चाहिबे मंथ एंड किबा इंस्टेंट आनले भी आनी परिबे आ मशीन तो 3 वर्ष ला यूज करूचंती इलेक्ट्रिसिटी सेकंड कथा छला सर्विस फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कथा आबा आपन को केते इलेक्ट्रिसिटी अधिक उठुची दुटा मशीन रो दुटा मशीन रे मिनिमम 600 उठुची 600 ऊपर को आसने तो कत घंटा यूज कर 5-6 घंटा यूज कले गोटे मेसीन पाखापाखि 300 टाँचा आसूची जो दुईट मेसीन लगी 600 टाँचा आसूची आउ तीन वर्ष मेसीन जदि केबे खराब हो सर्विस कंपनी को कल कले कंपनी के समय भर आप सर्विस ना देना ना फोन उठे ना 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 सेमती ना से फोन मैंने कल रिसीव करती आपड़ी किसी प्रोब्लेम हम फोन थ्रु रे भी सल्व हो पार्टी जदि हो पार नहीं मैंने डायरेक्ट लोक मेकानिक पठाती मेकानिक पठाती दर्शक बंधु आपने तो लाइव प्रमाण देखिले डायरेक्ट आम कस्टमर सहित कथु तर जो प्रडक्शन करुँच देखेलु स्टक आर्ट देखेलु सुखेंट केत सारा प्रडक्ट आउ लास्ट क्वेश्चन पचारि मैडम कंपनी रहा कौन एसआर इंडस्ट्री अच्छा कंपनी आपण जो बायबैक रे सेल करूँ मंथली केते इनकम करूँ एक्जाक्टली आम ओडिशावासी जानापी भारी इंटरेस्टेड थे जो दुई दुईटा मेसीन यूज करें पिला रखी 7-8,000 सैलरी देखते आपने मेहनत कर हस्बैंड मेहनत कर मंथली प्रॉफिट के दुईटा मेसीन रु 50-60 हजार भितर कमे जदि आम कथा जब 60 हजार टाँग कमा जो मैंने इंडिविजुअली गोटे मेसीन किनवाई चाहते 30 हजार तो आराम से इनकम करी आराम से इनकम कर नमस्कार दर्शक बंधु मुझ जितेश मिस्टर ओडिया टेक यूट्यूब चैनल आउ थे समस्त को बहुत बहुत स्वागत दर्शक बंधु आउ थे मुझण नहीं आसी नुआ बिजनेस आइडिया अगरबत्ती मेकिंग मेसीन किणी आपण मैंने बुबालिया बिजनेस करेंगे किंतु जब भावुं अगरबत्ती मेकिंग मेसीन वीडियो तो आम बहुत सारा देखिलु आउ कहि ए वीडियोटा देखूँ बहुत बढ़िया बिजनेस आइडियाटे पाइबे बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस करें कहीं आज मुझे जी कस्टमर सहित मीट कली फीडबैक् नेली भल पैसा इनकम कर 30,000, 40,000, 50,000, maybe 60,000 पर्यटन दुई दुईटा मेसीन इनस्टल कर इनकम करुँ आम पाखर कंपनी फाउंडर अच्छा सर्वप्रथम आम किसी इंट्रोड्यूस नहीं जीव आपण मैंने लाइक अगरबत्ती मेकिंग मेसीन किभली किणवे कंपनी को बायबैक सिस्टम के देते रॉ मटेरियल केतरे किणवे आउ प्रोडक्ट मटेरियल केमी देते बाकी लाइफ टाइम पर्यटन देते ना केत वर्षपाई देते ए टू जेड ऑल इनफर्मेशन आपने गोटे भिडियो मतलब पारे सर नमस्कार नमस्कार सर आपण डिटेल्स कंपनी टी दर्शक मान को जन दिखता और आड्रेस सहित अफिस् हूँ मंचेश्वर से मंचनाथ मंदिर पाखे अफिस् हाईटेक छक टुआर्ड्स बालीयात्रा पड़िया रोड से आसे विदिन 1 किलोमीटर आप अफिस् लोकेट करेंगे अच्छा सर मोस्ट इम्पोर्टेंट आम ये देखा आजिका समय मार्केट बहुत सारा कंपनी अच्छा अगरबत्ती मेकिंग मेसीन मार्केट सेल करूँ आदि देखा आजिका समय बहुत सारा कस्टमर मैंने प्रॉफिटेबल अच्छा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष धरी बिजनेस करके प्रॉफिट नौकरी किसी कस्टमर कन्फ्यूज बिजनेस कर पार ना मे भी कहीं ना कहीं से मेसीन को स्टॉप कर रखी जो नुआ बिजनेस करने चाहूँ सर्वप्रथम तो आप कहूँ जदि अगरबत्ती मेकिंग मेसीन पकेबे अगरबत्ती बिजनेस कौन करेंगे यार केमी कौन प्रॉफिट फायदा केमी प्रोडक्शन आमी डिमांड रोच मार्केट में फर्स्ट आम टे दर्शक मान को जन दिखाँ निश्चित एक्चुअली देखा गले अगरबत्ती बिजनेस बहुत बड़ मार्केट आम तो ये इंडस्ट्री में बहुत दिन अच्छे सिंस कपल ऑफ इयर्स बिजनेस हूँ गोटे बहुत बड़ मार्केट आम इंडस्ट्री
सिंस कपल अफ इयर्स अच्छु आम अगरबत्ती मेसीन आउ र मेटेरियल प्रोवाइड करूँ बट आम यदि देखा प्रत्येक घरे अगरबत्ती दरकार लोकं घरे किसी था खाइबा नथिले भी किंतु अगरबत्ती जलू अगरबत्ती रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे आम देखा ओडिशा रे 4.5 कोटी लोक 4.5 कोटी लोक आराम देखा दे गोटे कोटी फैमिली हेले गोटे कोटी फैमिली हेले आराम मिनिमम देखा 70 लाख फैमिली यूज करेंगे बत्ती प्रतिदिन सकाल दुटा संध्या बेल दुटा यूज करेंगे तेन 4टा धूप प्रत्येक फैमिली यूज कराउंड गोटे दिन में 30-40 टन बत्ती 30-40 टन बत्ती यूज हो हिसाब से देखा आदि मसकू आपणकर 1000+ टन बत्ती ओडिशा दरकार सेटा जब इंडिया तो जी इंडिया 140 कोटी लोक तो से हिसाब से आराउंड 30,000 टन बत्ती दरकार अगरबत्ती फास्ट मार्केट अच्छी अगरबत्ती बहुत बड़ बिजनेस अगरबत्ती बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस एटा अगरबत्ती बिजनेस प्रॉफिट हे कारण एटा आर डिमांडटा डे बाय डे बढ़ुची आउ रिक्वायरमेंट भी बढ़ुची लोकर खाली घरे नुहे मंदिर गाड़ी दुकान सब आड़े रहउछन्ती तो आर डिमांड मार्केट रे बहुत अधिक अच्छे। अच्छा दसंतु आपण माने जानि पाइले अगरबत्ती रो डिमांड केते मोर मेन मोटिव थिला ए वीडियो माध्यम द्वारा आपण फर्स्ट जणेवा डिमांड केते सेकंड पॉइंट आसीला जदी आपण माने मेसिन किणेवा पई चाहू चोंती आपण माइंड रे फर्स्ट थॉट आसुतबो र मटेरियल आनिबा कोटु सर्वप्रथम फ्रेंड्स कोइ रखुची कंपनी रो निजर र मटेरियल सेल करूचन ताफर पाउडर हिसाब रे आपण नेबे मेसिन ने यूज करिवे आ पानी ढालिबे र मटेरियल रेडी मिक्स किसी करार ना बाकी सेकेंड पॉइंट आसा सर जब आम कथा भुवनेश्वर आज आम अच्छा जब जलेश्वर कि ढेंकानाल दूर दूर जगार कथा जन आपर मेसीन नौकर र मेटेरियल से किभली पाइबे र मेटेरियल आम ट्रांसपोर्ट मल्टीपल ट्रांसपोर्ट अच्छी जदि कस्टमर चाहिए कम क्वांटिटी अच्छी बस में पठेबे आम बस रिसीव कर बस फिर माल देदेव। अच्छा जो मैंने बायबैक सिस्टम आपको प्रडक्ट पठेबे सी भी बस पठेबे आप र मेटेरियल भी बस पठेदेव से रिसीव करना अच्छा बाकी सर जो कथा आप तो बायबैक सिस्टम आड़क आम आसवा जदि कौन कस्टमर मेसीन नहीं सारापर से चाहूंट आमको लाइक पैकेजेस होगा परफ्यूम होगा जितक भी लिक्विड दरकार सबकि प्रोवाइड कर हाँ सबकि प्रोवाइड करमर एक्चुअली परफ्यूम उपर आरब ब्रांड रार आम डिस्ट्रीब्यूटर आम आमएसपी रही अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी तो आम बहुत कम प्राइस मानने अलग कंपनी ठूँ कम प्राइस आम परफ्यूम दे पार आउ कवर है जिपर है डीप है जहाँ भी रहा सब मार्केटिंग करने चाहिए जो दरकार बेस्ट रेट आम देपर बाकी नेक्स्ट पॉइंट आसा सर आपर बायबैक सिस्टम जो अच्छी केत वर्ष पर्यटन बायबैक नौकर कि बहुत सारा लोक मान माइंड में गोटे थॉट अच्छी कंपनी आज कहीदे ने छस दुई मस पर कंपनी नौ नापे केमती गोटे स्योर दे पार्टी आपणकर कस्टमर मानक आम जी वर्ष कौ से वर्ष कंपलसरी नौ एक्चुअली आमर बत्ती बहुत रिक्वायरमेंट अच्छी तो आम कहीदे कस्टमर मैंने आम कथार से ने तो आम जी कह कथा कहूँ कि आम कस्टमर फिडबैक आम देख पारे कस्टमर ट्रस्ट इश्यू रे आम नोटरी एग्रीमेंट करूँ किसी असुविधा नोटरी एग्रीमेंट आम प्रति दु वर्ष थे रिन्यू करदेबू आम कितने दिन जन चाहिए आमको दवापी आम से नबू तो सेमती किसी टाइम पीरियड ना जे कस्टमर जिते पर्यटन चाहिए से हाँ इतना नबू एक्चुअली आमर गोटे नैवेद्य ब्रांड अच्छी नैवेद्य ब्रांड को आम ऑथराइज भेंडर आम रेडीपैक बनई दौ तो आम जो पाउडर जो क्वालिटी पाउडर अच्छी से आम जो बायबैक दौ फिर मेटेरियल बनई आस बतीटा आम एक्चुअली भेंडर को देखा आप्रूव हो सू तो आम क्वालिटी मिट कर तो से हिसाब से आम तर ऑथराइज डीलर हेलु आम बनई दौ जमी नैवेद्य ब्रांड होगा सेमती बहुत सारा अलग ब्रांड अच्छे ओडिशा भितर ओडिशा बाहर अच्छी सेम बत्ती को आप्रूव कर आम से सहित एग्रीमेंट अच्छे नेक्स्ट 5-7 इयर्स जाए आम से अग्रह अग्रह कह आपर प्रडक्ट रिक्वर्ड बहुत अधिक बहुत अधिक अच्छे समझते आप र मेटेरियल किलोपति 50 टाँचा रेट्रे कि जितने प्रिपेयर करदे प्रडक्ट किलोपति 75 टाइम कंपनी को सेल करेंगे 25 रुपीज
ରୁପିଜ୍ ପର୍ କେଜିର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ହେବା, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିରୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ରୁପିଜ୍ ଯିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ବୁଝିଲେ କି ପ୍ରଫିଟ୍ ପର୍ କେଜି ଯଦି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ରେଡି କଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ବାକି ସାର୍ କଥା ହେବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ ଯଦି 7 ଘଣ୍ଟା ନର୍ମାଲି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ରହୁଛି, 7 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କିଲୋ ସିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ? 7 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 8-10 କେଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଦେଖିଲେ ତ ମିନିମମ୍ 50-60 କେଜି 50-60 କେଜି ହେଇପାରିବ। ଯଦି 25 ରୁପିଜ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିଲେ ସାର୍ 1000-1200 ଟଙ୍କା ₹1250 ଯଦି 50 କେଜି ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି, 25 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 1250 ଟଙ୍କା ଡେଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ 1000-1250 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଡେଲିକା ଡେଲି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଜାଣିବୁ ମେସିନ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି। ସାର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଜଣେ ଦୂର ଜାଗାରୁ କେ ଜଣେ ମେସିନ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଚଲା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, ତ ଆମ ପିଲା ଯିବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଆମର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲା ଅଲଗା, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପିଲା ଅଲଗା। ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପିଲା ଏଥିରେ ଅଲଗା ରଖିଛୁ, ଆମର କଷ୍ଟମର ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରପର୍ ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ବତୀର ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇବା, ତ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆମ ପିଲା ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିକି ଶିଖେଇକି ସେମାନେ ବସିକି ବତୀ ବାହାର କରିବେ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବତୀ ବାହାରିଲେ ଶିଖିଲେ ଆମ ପିଲା ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଫାସିଲିଟି କଥା ହେବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟାରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବି କରିପାରିବେ। 50 ଟଙ୍କାର ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିବେ, 75 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରେଡି କରିକି ସେଲ୍ କରିବେ, 25 ରୁପିଜ୍ ପର୍ କେଜିର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, 50 କେଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। 50 କେଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲେ 1200-1200 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ଥରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆସିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମେସିନ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମେସିନ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡାଇ ରକେଟ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ଡାଇ ରକେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ ପ୍ରତି 1.5 ଟନ୍ 2 ଟନ୍ରେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଟନ୍ 2 ଟନ୍ରେ 1000-1200 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ 80-90 ହଜାର ଦେଲା, ତାହେଲେ 1000-1200 କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଅଗ୍ରଗତି ମେକିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେସିନ୍ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ତାଠୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ରେ, ଖାସ କରି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଥିଲାଗି ଦେଇପାରିବୁ। ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ମେସିନ୍ ସେଲ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ଆମର ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ରବତୀ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ରବତୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ମେସିନ୍ ଯେତେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବା, ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ, ଆମ ପାଖକୁ ବତୀ ସେତେ ଆସିବ, ତ ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରନ୍ତି ବର୍ଷେ, ହେଇପାରନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ହେବନି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବା। ପ୍ରାଇସ୍ ଅପଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କରୁଛୁ, ହେଇପାରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିବ କି ଅଫ୍ ହେଇଥିବ। କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଇଜିଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କିଣନ୍ତୁ, ଥରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଇଜିଲି ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଘରେ ବସି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଛି, 10:30 ରୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ।